एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान इंग्लैंड को 251 रन से हराकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। ऑस्ट्रेलिया ने 18 साल बाद एजवेस्टन में इंग्लैंड को हराया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोनों पारियों में शानदार शतक लगाने वाले स्टीव स्मिथ प्लेयर ऑफ द मैच रहे। 5 टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज का पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। सोमवार को टेस्ट के 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 251 रन से हरा दिया। जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया से मिले 398 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टेस्ट के 5वें दिन दूसरी पारी में 146 रन पर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने मैच 251 रन से जीत लिया। दूसरी पारी में जहां इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वोक्स ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए, वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑफ स्पिनर नैथन लियोन ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए। इससे पहले मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 284 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 374 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर 90 रन की बढ़त बना ली। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 487 रन पर पारी घोषित कर इंग्लैंड को जीत के लिए 398 रन का टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलिया से मिले टारगेट को इंग्लैंड पूरा नहीं कर पाया और ऑस्ट्रेलिया ने 251 रन से मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोनों पारियों में शानदार शतक लगाने वाले स्टीव स्मिथ प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 14 अगस्त से लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।